तो यहाँ पे सामने चलो, ये तेरा क्या फ्लैश कर रहा है? आई मीन आपकी मेहनत अभी फाइनली रंग ला रही है तो ऑब्वियसली हम बहुत एक्साइटेड हैं. हम चाहते हैं कि सबको पसंद आए फिल्म. इट्स वेरी एक्चुअली नर्वस बहुत हैं बिकॉज सब लोग पहली बार देखने वाले हैं, हम लोग भी पहली बार देखने वाले हैं. सो वेरी वेरी नर्वस, वेरी एक्साइटेड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई एंटायर टीम एंड आर डायरेक्टर एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू. वही तो हमारी सारी मेहनत, जितने भी महीने हमने मेहनत की है, एंड ऑल द हार्ड वर्क इज़ पेड ऑफ एंड इट द फिल्म इज़ लुकिंग गुड एंड वी वॉन्ट एवरीबडी टू इन्जॉय इट एंड दैट्स द थिंग. वी आर लुकिंग फॉर द ऑडियंस अप्रिसिएशन. तो दैट्स जस्ट मेक्स मी नर्वस मोर देन एनीथिंग एल्स. थैंक यू. ऊपर ही सना जी सामने Of course, I'm very excited because my last film ये production के साथ थी, so there is a emotional bond with the whole team. In fact, I know the overall team who's here. So I'm very excited to see के अभी hit story form again. Of course, it's a hit franchise and कल release होने वाली है. So I really hope for the best and I hope ये super hit हो जाए. एक्चुअली आई डोंट नो उर्वशी, आई नेवर मेट हर. बट देन जो दूसरी टीम है, मैं एक्चुअली पूरी टीम से पहली बार अभी मिलने वाली हूँ. आई डोंट नो देम अदरवाइज. बट देन येस, आई एम हैप्पी फॉर विशाल बिकॉज आई थिंक ऑफकोर्स ही जस्ट मेक्स हिज हीरोइंस लुक सो गुड एंड यू नो ही गेव मी वजह तुम हो, ही मेड मी लुक सो प्रिटी, ही गेव मी ब्लॉक बस्टर सॉन्ग्स एंड आई थिंक दैट्स वॉट ही इज डन अगेन विद सो मेनी बंच ऑफ इन अ वे यू नो पीपल हुव नॉट डन लॉट ऑफ फिल्म. अगर आप उनकी फिल्म देखोगे तो आई थिंक वो एक ही डायरेक्टर है जो बहुत सारे टी वी से फेसेज लेते हैं और पीपल हुआ फ्रेश एंड दे गिव एंड वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं. तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल. सॉरी, आई थिंक सभी प्रॉमिसिंग है एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वो लोग आज फिल्म में है. जब फिल्म की कास्टिंग होती है तो बहुत लोगों को पूछा जाता है और मिला जाता है एंड इवेंचुअली जो प्रॉमिसिंग होता है हम उन्हें ही लेते. तो आई होप कि चारों के लिए बहुत अच्छा हो आगे जाकर एंड आई होप दैट दे गेट गुड वर्क बिकॉज इट्स वेरी टफ टू गेट वर्क इन दिस इंडस्ट्री. सो आई होप एवरीबडी गेट्स गुड वर्क एंड पीपल आर वर्किंग. थैंक यू. I am very excited and I am very happy. I am a part of the film, so you know, to be a part of such a franchise is it's exciting. And Hate Story is a very hit franchise. People love it. So you know, the star cast is also very young this time. So I'm very excited for the film. वो तो आप फिल्म देखने के बाद बताएंगे तो ज़्यादा better होगा क्योंकि the actors in the film, you know, all of them are very good actors and Urvashi is really beautiful. So you know, I'm looking forward to it. Today is Women's Day, so a very happy Women's Day to all the women and do watch Hate Story 4. कुछ नहीं है, एक होता है कि 9 महीने बाद जो डिलीवरी होती है मुझे वही लग रहा है कि कल मेरी डिलीवरी है. सो आई होप लोगों को पसंद आए एंड आई एम वेरी मच श्योर कि लोगों को बहुत ही पसंद आएगी बिकॉज कुछ हेट स्टोरी हमें पहली बार हम लोगों ने किया कि इट्स इंस्पायर्ड बाई टू इवेंट्स. जो ईव टीजिंग की हम बातें करते हैं वो हम लोगों ने एक रियल इंसिडेंट को इंस्पायर होकर हम लोगों ने ये लिया हुआ है एंड आई एम वेरी मच श्योर पीपल आर गोइंग टू लव दिस थिंग फॉर श्योर. आज बहुत लोग क्या कॉम्प्लीमेंट, तो अभी मैं वो देखूंगा कि मूवी देखने के बाद क्या देते हैं. अभी तो वही बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है. अभी मेरे को बोला मैं नहीं, अभी मूवी बताओ अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है. सो आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट डन विद द फिल्म एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम वेरी मच श्योर ऑल्सो दैट गोइंग टू लव द फिल्म फॉर श्योर. विशेष तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मुझे विश करो, मेरी कल मूवी रिलीज़ हो रही है तो मैं आपकी विश ले रहा हूँ और जो आपकी विश ले रहा हूँ मैं आपको 9 को जो मूवी कल दे रहा हूँ हेट स्टोरी 4 आप सबको बहुत पसंद आने वाली है. सो डोंट मिस द बिगिनिंग एंड डोंट मिस द एंड. थैंक यू. थैंक यू भाई. थैंक यू.